Here is the question. Total charge required for the oxidation of 2 moles Mn3O4 into MnO4 minus 2 in presence of alkaline medium is आपको calculate करना है. देखो बेटा, आपको simple सा बता रहा है कि आपका जब 2 मोल Mn3O4 MnO4 minus 2 में जाएगा तो कितने फेराडे यहाँ पर, कितना चार्ज यहाँ पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है. देखो ध्यान से समझो इसको. इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझानी चाहिए कि देखो Mn3O4 आपके पास, ठीक है, ये किसके अंदर जा रहा है, ये जा रहा है MnO4 टू माइनस में. इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस करेंगे. देखो Mn3O4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो. इसे क्या मान लू मैं, Mn की बतानी है तो x मान लू, कितना Mn है 3 है तो 3x मान लू, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया प्लस 8/3. इट मीन्स Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस 8/3. यहां पर एक Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस 8/3. प्लस 8/3 से कितने में जा रहा है, यहां पर कैलकुलेट कर लेना, इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी प्लस 6. तो प्लस 8/3 से प्लस 6 जाने के लिए मैं समझा मैं कैसे बताऊंगा आपको कि प्लस 8/3 से प्लस 6 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में यहां पर डिफरेंस आ रहा है. तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल, जो फाइनल चेंज आ रहा है माइनस इनिशियल चेंज, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 माइनस 8/3. ठीक है, इतने ही इलेक्ट्रॉन को तो क्या किया है, इसने लॉस किया है, सही है. प्लस 8/3 से प्लस 6 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो 6 में से 8/3 क्या करो माइनस कर दो. तो यहां पर आप सॉल्व कर लेना कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन. कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, 10 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन एक मोल अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से समझो, मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि मेरा एक मोल सब्सटेंस, एक मोल Mn3O4 1 मोल MnO4 2 माइनस में जाने के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है. क्या मैं बोल सकता हूं क्या 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है? तो अगर हमारे पास कितने मोल है, हमारे पास तो 2 मोल्स बोले हैं. तो अगर मैं बोलूं कि 1 मोल मेरा Mn3O4 1 मोल MnO4 2 माइनस में जाने के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो 2 मोल Mn3O4 कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 20 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा. इज दैट क्लियर, क्या समझ में आ रहा है, 20 मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है. और सिंपल सा चीज है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1 फेराडे चार्ज होता है, तो 20 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा 20 फेराडे. तो हियर इज द योर आंसर एंड चेक लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन.